दोस्तों नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज बात करते हैं चिकित्सा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत उपचारिका स्टाफ नर्स के पदों की जो भर्ती निकली है उसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख लेते हैं जो कि आपको फॉर्म भरते समय लगेगा। चलिए देख रहे हैं, मैंने ये वेबसाइट खोल रखी है, ये वेबसाइट में है। आप यहाँ पर जाकर के आप खुद भी स्वतः डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट फॉर्मेट देख सकते हैं और इसके जस्ट नीचे यहाँ से क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अब चलिए आप दिखा देते हैं इसका डाउनलोड करके नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट का। देखिए आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ गया है, चिकित्सा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत उपचारिका स्टाफ नर्स के पदों की भर्ती का विज्ञापन दिनांक 12 दिसंबर 2020 है और ये फॉर्म आप कब से भर सकते हैं, 14 दिसंबर 2020 से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, मतलब स्टार्ट हो गया फॉर्म भरना। और 11 जनवरी सोमवार तक आप इसका फॉर्म का क्या कर सकते हैं, नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड द्वारा जमा करा सकते हैं फीस के जरिए। अगला है, अब इसका एग्ज़ाम डेट और वो देख लेते हैं अपन। लिखित परीक्षा तिथि होगी 7 मार्च 2021 रविवार के दिन और इसका जो प्रवेश पत्र निकलेगा वो आपको मिलेगा 20 फरवरी 2021 में। नेक्स्ट अपन ये आप नोटिफिकेशन आप भी पढ़ सकते हैं, इसका जो वेबसाइट है दोस्तों ये www.ubterasn.in पे, इस पर जाके आप लिंक लॉगिन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट है पद नाम उपचारिका स्टाफ पद का, इसमें क्या है, स्टाफ नर्स महिलाओं के कुल रिक्त पदों का 1238 का 80% दोस्तों। अभी मेल और फीमेल में जो रेशियो कर दिया गया है 80% महिलाओं को और 20% पुरुष स्टाफ नर्स का भर्ती में लिया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसी के अनुसार इसमें भी भर्ती में लिया गया है। जो महिला नर्स का कुल पद है ना वो देखते हैं टोटल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल है 990 पोस्ट। सामान्य वर्ग है, अनुसूचित जाति एससी है, एसटी है और ओबीसी है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है। टोटल जो इसमें है ना 1238 का 80% पोस्ट जो है 990 आ रही है महिलाओं के लिए है, मतलब फीमेल स्टाफ नर्स के लिए है। अब अगला जो पोस्ट है वो 20% जो मेल स्टाफ नर्स के लिए उसका, देखिए आपके सामने जो स्टाफ नर्स पुरुष के लिए कुल पद 1238 का 20% वो कितना हो रहा है टोटल 238। इसमें सामान्य भी आ गए, अनरिजर्व एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, सभी को मिलाकर 248 पोस्ट हैं, 248 पोस्ट हैं दोस्तों। अब इसका जो आपका सर्टिफिकेट का डिप्लोमा या डिग्री है उसका सारा योग्यता आपका मांगा है, जो आपके बीएससी नर्सिंग में भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बीएससी नर्सिंग से नियमित पाठ्यक्रम होना चाहिए दोस्तों। ये नोटिफिकेशन आप भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं डाउनलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर्मेट, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ पे चिकित्सालय का लेटर हेड, मतलब जहाँ भी आप हॉस्पिटल में काम करते हैं वहाँ का अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा और उसी हॉस्पिटल के लेटर हेड पे बनेगा दोस्तों। वहाँ पे सारा आपका नाम पता जो भी मांगा है ये सेम इसी तरह से बना के देना रहेगा और यहाँ पे नीचे क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सक्षम अधिकारी का नाम एवं पदनाम मोहर सहित चिकित्सक होने की दशा में MCI पंजीकरण संख्या। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।